हेलो गाइस आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्यों क्योंकि हम हर एक चीज हमारे माइंड में स्टोर करके रखते हैं तो वैसे ही कंप्यूटर में भी कहीं ना कहीं प्लेस होता होगा जहां पे हम कोई चीज स्टोर करके रखते हैं हम कहीं प्रोसेसिंग करते हैं तो आज हम दो चीजें पढ़ेंगे स्टोरेज एंड मेमोरी तो स्टोरेज एरिया वो प्लेस होता है जब आप प्रोसेसिंग करने के बाद किसी रिजल्ट को स्टोर करते हो परमानेंटली फॉर द लॉन्ग यूज और मेमोरी मेमोरी वो प्लेस होती है जहां पे आप प्रोसेसिंग करते हो प्रोसेसिंग के लिए कोई प्लेस होता है तो उसे कहते हैं मेमोरी अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक डायग्राम है इसके अंदर हम कई पार्टों में डिवाइड किया है मेमोरी को जैसे प्राइमरी हो गई सेकेंडरी हो गई टेरिटरी हो गई एंड ऑफलाइन हो गई प्राइमरी मेमोरी में हम बात करेंगे जहां पे हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे सेकेंडरी में हम पढ़ेंगे जहां पे प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है टेरिटरी में हम बात करेंगे वो प्लेस जो पोर्टेबल हो जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो और वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाया जा सके एंड ऑफलाइन जैसे हम को इंफॉर्मेशन को सिस्टम में लगा सकते हैं यानी कोई ऐसी डिवाइस जिसको हम मशीन में लगाए डेटा ट्रांसफर करें और मशीन से हम निकाल लें जो पोर्टेबल होता है अब बात करते हैं मेमोरी की मेमोरी क्या होती है तो मेमोरी इज द इंटरनल स्टोरेज एरिया विच होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यानी एक प्लेस होता है जहां पे हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो मेमोरी होती है ये भी आज हम इसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे दो टाइप की मेमोरी होती है एक होता है इंटरनल मेमोरी जिसको हम प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं और दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं जहां पर टास्क परफॉर्म होता है ए इट इज द बिल्ड इन मेमोरी Which the CPU use the whole data and instruction. The internal memory is temporary and has limited storage capacity. यानी yani इतना ज्यादा स्टोरेज ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए होता है प्रोसेसिंग के बाद डेटा को हम परमानेंट में स्टोरेज में ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये टेम्परेरी होता है टेम्परेरी का मतलब अगर कोई वर्क कर रहे हो और सडनली लाइट चली जाए तो जो डेटा है वो लॉस हो जाता है इसी हम वॉलरटाइल भी कहते हैं नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी यू नो ये परमानेंट मेमोरी होती है जब कोई प्रोसेसिंग यानी प्राइमरी मेमोरी में टास्क परफॉर्म होने के बाद स्टोर होता है सेकेंडरी में जैसे फ्लॉपी हार्ड डिस्क सी डी डीवीडी पेन ड्राइव अब हम बात करेंगे मेन मेमोरी की मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी तो रेंडम एक्सेस मेमोरी देखिए चिप की तरह होता है और ये देखिए ये मदर बोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर है जो मदर बोर्ड में अटैच होता है तो हम सबसे पहले रेंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं रेंडम एक्सेस मेमोरी का स्ट्रक्चर ए सेट ऑफ मेमोरी चिप ईच ऑफ देम इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत से मिली कैपेसिटर ये सब होते हैं जहां पे मेमोरी स्टोर होती है प्रोसेसिंग के लिए और ये वॉलेटाइल होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी जाते ही इसके अंदर का सारा डेटा लॉस हो जाता है ये भी इस दो टाइप के होते हैं एक होता है स्टैटिक रेंडम एक्सेस मेमोरी जो सेमी कंडक्टर होता है ये के अकॉर्डिंग काम करता है और ये जब इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है और ये क्या करता है ये बहुत फास्टली वर्क करता है लोक इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है बस ये एक्सपेंसिव होता है और दूसरा होता है डायनेमिक रेंडम एक्सेस मेमोरी ये स्टोर ईच बैट ऑफ मेमोरी इन कैपेसिटी इन द इंटीग्रेटेड सर्किट और ये जब जब ये रियल कैपेसिटर ली चार्ज सो कैपेसिटर नीड टू बी रिफ्रेश ठीक है तो इसके अंदर टास्क होते हैं एंड सिंपल स्ट्रक्चर सो वेरी हाई डेंसिटी इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी देखिए मदरबोर्ड में कैसे इनबिल्ड है ठीक है तो हैज कंटेंट विच आर फिक्स्ड व्हेन द चिप इज मैन्युफैक्चरर जब मदरबोर्ड ये सब बनता है तो उसके साथ इन बिल्ड कर दिया जाता है और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट लोडर पार्ट होते हैं ठीक है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं या बहुत अदर टास्क करते हैं तो क्या कहता है बूटिंग तो बूटिंग में जब बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ठीक है रोम के अंदर टाइप ऑफ रोम कुल मिला के वैसे चार टाइप के होते हैं देखा जाए तो लेकिन एक तो रीड ओनली मेमोरी खुद होता है दूसरा होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसके अंदर प्रोग्रामर खुद एक बार डेटा को ट्रांसफर या इरेज कर सकता है और उसके बाद प्रोग्राम करता है ओनली वन टाइम और वैसे दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये क्या करता है ये अल्ट्रा वॉलेट लाइट के थ्रू डेटा को इरेज करता है ठीक है और उसके अंदर बार बार कमांड को हम चेंज कर सकते हैं देखिए नीचे आपके सामने दिख रहा है एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको हम इलेक्ट्रिकली हर बार कमांड को इरेज कर सकते हैं और कमांड को सेट कर सकते हैं नेक्स्ट है कैच मेमोरी कैच मेमोरी देखा जाए तो ये रेम से बहुत कॉस्टली होता है और फास्टर भी होता है और इट इम्प्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव करता है ये भी दो टाइप के होते हैं एक होता है प्राइमरी केज जो कि सीपीयू के साथ इनबिल्ड होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी केज जो मदरबोर्ड के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल क्लोज तो में ही होता है ठीक है ऑफलाइन स्टोरेज दैट कैन बी रिमूव एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर वैन कनेक्टेड हम इसको किसी भी कंप्यूटर के साथ किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और जो स्टोरेज है नॉन वोलेटाइल होता है यानी जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका डेटा लॉस नहीं होता अब टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप हैं एक होता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल का मतलब होता है जो प्लास्टिक के अंदर होता है जैसे सी डी डीवीडी नेक्स्ट होता है मैग्नेटाइप मैग्नेटिक स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होता है फ्लॉपी होता है एंड नेक्स्ट होता है फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी यानी पेन ड्राइव जिसको आप पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं हम पहले बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की तो देखिए हमारे पास थ्री टाइप के ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो नाइनटीन एटी टू से अवेलेबल है अब तक दूसरा होता है डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं जो कैपेसिटी होती है फोर पॉइंट सेवन जीबी होता है और ये नाइनटीन से अब तक अवेलेबल है टिल नाउ एंड नेक्स्ट होता है ब्लू रे जो अभी 2006 से अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी ही 25 फाइव जीबी मिनिमम समथिंग होता है इससे भी ज्यादा भी हो सकती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के कुछ एडवांटेज है ये स्मॉल होता है पोर्टेबल होता है बहुत सस्ते होते हैं और मार्केट में म्यूजिक मूवी गेम के लिए अवेलेबल होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में और आप उसको कंप्यूटर लैपटॉप इक्विपमेंट में चला सकते हैं इसके disadvantage है। इसके ये ये है 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 कि अंदर से प्लास्टिक होता होता तो बहुत बहुत जल्दी पड़ जाता है। जाता खराब हो धीरे अब बात करेंगे डिवाइस की जो होता है hard और floppy। ये की हम पहले बात करते हैं फ्लॉपी अवेलेबल इन 1971 और इसकी जो कैपेसिटी होती है 1.44 mb की होती है ये बहुत कम होता है और डिसकंटिन्यू हो गया यानी अब इसका इस्तेमाल कोई करता नहीं है इसी में दूसरा होता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1956 बिकम डोमिनेट इन द फिफ्टी इसकी कैपेसिटी आज के टाइम यानी 2013 के टाइम में फोर टेरा बाई थ्री अब तो बहुत ज्यादा हो गया टेन टेन यानी इसकी जो कैपेसिटी है आज बहुत ज्यादा है ये तो 2013 में फोर टेबी थी और कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है यानी इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है लगातार इसके एडवांटेज देखिए एडवांटेज लार्ज एंड्रीज कैपेसिटी है हाई ट्रांसफरिंग रेट होता है नो डेटा लॉस पावर ऑफ हो जाता है कोई डेटा लॉस नहीं होता ठीक है डिसएडवांटेज तो पॉसिबल डैमेज इन डेटा लॉस ड्यू टू द हेड क्रैश यानी क्रैश हो जाता डेटा लॉस होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है ठीक है वर्किंग मैकेनिज्म बेसिक मेनुअल ब्रॉक कर सकते कोई भी इन केस ऑफ इंटरनल हार्ड ड्राइव इज नॉट टू ट्रांसफर द अनदर कंप्यूटर ठीक है क्योंकि एक हाँ, कंप्यूटर में अटैच है तो दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता ठीक है हाई पावर कंजप्शन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जाती है फ्लैश मेमोरी कॉमर्शियली अवेलेबल इन 2000 यानी 2000 के बाद ये अवेलेबल है इसकी कैपेसिटी आज के टाइम 2013 के टाइम में वन टीबी थी और इसका साइज बहुत स्मॉल होता है जेब में भी डाल सकते हैं और आइडियल सोल्यूशन ऑफ फॉर स्टोरिंग स्मॉल डेटा देखिए कैसा दिखता है ये पेन ड्राइव की तरह होता है जानते ही है आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में